हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं यूके में रहती हूँ और यहाँ पे मैं देसी फूड्स को बहुत मिस करती हूँ। एक हमारा देसी फूड है भुने चने, जो कि बहुत ही हेल्दी है, फाइबर रिच है, प्रोटीन रिच है, बट वो यहाँ इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है और वो हमें बहुत पसंद भी है, हेल्दी भी है। तो अभी क्या करें, हम इसको घर में प्रिपेयर करेंगे। तो आज हम भुने चने की रेसिपी बनाएंगे। भुने चने हम रेत में नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ तो हमें रेत अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको सॉल्ट में प्रिपेयर करेंगे। सो आइए हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और फिर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो इंग्रेडिएंट्स में यहाँ मैंने एक कटोरी काले चने लिए हैं, ये चने, और मैंने लिया है चने, आप देख लीजिए इस साइज़ के हैं, थोड़े बड़े साइज़ के मैंने चने लिए हैं, काले चने। और मैंने एक कटोरी ही नमक लिया है, हम आज नमक में ही हमारे चने को भुनेंगे। अब हम हमारे चने जो हैं ये, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको, पानी को हम इसमें प्रॉपरली मिक्स करेंगे ताकि हर एक चना जो है वो भीग जाए। सो पानी डाल के और हम हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरा पानी जो है, एक एक दाने चने में जो है वो पानी लग जाए। और फिर पानी में हम लगा के इन चनों को जो है वो अप्रॉक्सली 10 मिनट के लिए, भीगने के लिए हम इसको छोड़ेंगे। तो चलिए तब तक हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और हम गैस जलाते हैं और गैस पर हम अपनी कढ़ाई को रखते हैं और अब हम कढ़ाई को गर्म होने देंगे हमारी। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी तो फिर हम हमारा नमक जो है, एक बाउल जो हमने नमक लिया था वो हम सारे अपने कढ़ाई में डाल देंगे। और अब फिर हम नमक को थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ये अच्छे से इवेनली गर्म हो जाए पूरे कढ़ाई में। और अब हम नमक को गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। अब हमारा नमक गर्म हो चुका है, हम इसमें एक मुट्ठी के आसपास अपना जो है भीगा हुआ चना हम डालेंगे और इसको हम नमक से कवर कर देंगे ताकि ये जो नमक की गर्माहट है वो चनों में जाए। पर बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे ताकि चने जल नहीं जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमको चनों को चलाते भी रहना है ताकि ये चने जले नहीं और बराबर से ये सिकते रहें। अब देख सकते हैं चने थोड़े से अपने साइज़ में और कलर में चेंज होने लगे हैं। हम बीच बीच में चने को चलाते रहेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है चलाते रहना, नहीं तो हमारे चने जो हैं वो जल जाएंगे और प्रॉपरली नहीं भुनेंगे। आप देख सकते हो कढ़ाई में चने जो हैं वो पॉप कर रहे हैं, फूट रहे हैं चने हमारे। सो हमारे चने प्रॉपरली रोस्ट हो रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो छोटे छोटे चने के दाने जो हैं वो बड़े हो गए हैं और वो कवर से बाहर भी आ रहे हैं अपने। सो ये साइन है कि हमारा चना जो है वो प्रॉपरली भुन रहा है। मेक श्योर कि हम टाइम टू टाइम इसको जो है वो चलाते रहें ताकि हमारे चने जले नहीं और प्रॉपरली भुनते रहें। लगभग भुनते हुए मुझे चने को 2 मिनट हो चुके हैं और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लगभग हमारे जो चने हैं वो सब भुन गए हैं प्रॉपरली। अब हम इनको सॉल्ट से अलग करेंगे। सो इसके लिए हम एक स्ट्रेनर के हेल्प से अपने चने को उसमें डालेंगे, स्ट्रेनर में, और सॉल्ट से चने को हम अलग करेंगे। इसको थोड़ा सा मूव करेंगे ताकि जो नमक जो है वो छन के नीचे चला जाए और चने के दाने जो हैं वो आराम से हमारे स्ट्रेनर में आ जाए। सो फाइनली हमारे भुने चने रेडी हो गए हैं सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं कितने मस्त खिले खिले भुने चने तैयार हुए हैं गर्मा गर्म। सो शाम की चाय के साथ हमारा ये हेल्दी स्नैक्स रेडी हो चुका है। आप इसको ऐसे ही मिर्ची नमक के साथ भी खा सकते हैं। आप इन्हीं भुने चनों को पीस के चने का सत्तू भी बना सकते हैं और चने के सत्तू से बाटी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये भुने चने की हेल्दी रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।